हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सुरेश्वर, आपको तो माता पार्वती का आभार मानना चाहिए कि उन्होंने आप जैसा ही महायोद्धा आपको जमाई के रूप में प्रदान किया है। आप चाहे कुछ भी कहें देवर्षि, शत्रु के उस पोते के लिए मेरे राजभवन में तो क्या इस शोणितपुर में भी कोई स्थान नहीं है, बल्कि कल के बाद तो इस संसार में भी उसके लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। ना 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 ना, नहीं सुरेश्वर, नहीं, ये उचित नहीं है। अरे ऐसे शूरवीर को तो आपके हृदय में स्थान मिलना चाहिए। ऐसे शूरवीरों को कोई वीर जंजीरों में बांधकर प्राण दंड दे तो ये दोनों की शूरवीरता का अपमान होगा। अब बात समझ में आई देवर्षि। कौन सी बात है सुरेश्वर? जो बात अब तक आपने बताई नहीं थी। नारायण नारायण। देवर्षि, अब मैं समझ गया कि अपने पोते को बचाने के लिए ग्वाले कृष्ण ने आप मेरे पास भेजा है। नारायण नारायण। देवर्षि, परंतु अनिरुद्ध को कोई नहीं बचा सकता। मैं कल अनिरुद्ध को मृत्यु दंड दूंगा। मैं भी देखता हूं कि कौन सा सूरमा उसे बचाने आता है। शीघ्र बताओ, क्या समाचार लाए हो गुप्तचर? असुरेश्वर, कृष्ण और बलराम अपने मायावी गरुड़ पर सवार होकर शोणितपुर की ओर आ रहे हैं। और उनकी सेना? सेना साथ नहीं है असुरेश्वर। यह है कि वो दोनों अपनी माया से युद्ध करके अनिरुद्ध को मेरे पंजों से मुक्त कराना चाहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि कृष्ण और बलराम स्वयं कई सेनाओं के बराबर हैं। हाँ जानते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि हम भी कम नहीं हैं। हम शिव पुत्र हैं, शिव पुत्र। वो
दोनों ग्वाले हमसे क्या युद्ध करेंगे? मैं उन्हें शौनकपुर में प्रवेश करने ही नहीं दूंगा। उनके लिए तो मेरा ज्वर ही पर्याप्त होगा। शोणितपुर के अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं कन्हैया। यदि हम शोणितपुर के अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं तो हमें बिना विलंब किए शोणितपुर में प्रवेश करना चाहिए। वहां अनिरुद्ध के प्राण संकट में कन्हैया। हाँ दाऊ भैया, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ कि एक क्षण की भी देरी किए बिना हमें शोणितपुर में प्रवेश करना चाहिए। परंतु कन्हैया, यदि तुम भी यही चाहते हो तो फिर संकोच किस बात का है और फिर किस बात की बाधा है? है दाऊ भैया, बाणासुर। बाणासुर? दाऊ भैया, बाणासुर ने मायासुर जैसे अनेक राक्षस शोणितपुर की सुरक्षा करने के लिए नियुक्त किए होंगे और साक्षात शिवजी ने बाणासुर की नगरी की सुरक्षा करने के लिए वचन दिया है। इसलिए हमें सहज ही शोणितपुर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। दाऊ भैया, कन्हैया, मैं केवल इतना जानता हूं कि आज शोणितपुर में प्रवेश करने से हमें कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता। यदि किसी ने ऐसा प्रयास किया भी तो मैं उसे मौत की घाट उतार दूंगा। कन्हैया, कन्हैया ये कौन है? मैं ज्वल हूं। दाऊ भैया, इसे महादेव शिवजी ने बाणासुर की नगरी शोणितपुर की रक्षा करने के लिए स्वयं नियुक्त किया है। हे कृष्ण, हे बलराम, मैं आपको आदर करता हूँ, परंतु मैं शोणितपुर में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि शोणितपुर की सीमा सुरक्षा मेरा धर्म है। इसलिए आप दोनों चले जाइए। हम यहाँ लौटने के लिए नहीं आए हैं ज्वर। तुम स्वयं हमारे रास्ते से हटते हो या मैं तुम्हें हटाऊं? मुझे कोई नहीं हटा सकता बलराम, मुझे कोई नहीं मार सकता, परंतु मैं किसी को भी मार सकता हूँ, क्योंकि मुझे महादेव शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए अब मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, आप शोणितपुर के अंतरिक्ष से तत्काल चले जाइए। ज्वर, सावधान। अपनी शक्ति और गदा विद्या का घमंड है तुम्हें। मेरी चेतावनी के पश्चात भी तुम यहां से गए नहीं, अब तुम द्वारिका वापस जीवित नहीं जा सकते। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे अपने धर्म का पालन करने के लिए आपसे लोहा लेना पड़ा। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आप भक्त वत्सल हैं, आप शरणागत वत्सल हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। चलिए पक्षीराज, चलिए।
किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं असुरराज? तो उस भगोड़े ग्वाले कृष्ण की। ग्वाले कृष्ण की? हाँ कुभाड़, मुझे पता है कि अपने पोते को मृत्यु से मुक्त कराने के लिए वो ग्वाला कृष्ण यहाँ अवश्य आएगा। अब मुझे वो युद्ध प्राप्त होगा, वो युद्ध प्राप्त होगा जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। कुभाड़, बाणासुर, अब तुम्हें और प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आ गया हूं। पक्षीराज, अब तुम जाओ और अंतरिक्ष में हमारी प्रतीक्षा करो। मैं पहले ही जानता था कि तुम अपने पोते को छुड़ाने के लिए यहां अवश्य आओगे, और इसलिए मैंने तुम्हारे स्वागत का प्रबंध पहले से ही कर दिया था। ये तो अच्छा हुआ ग्वाले कि तुम स्वयं मेरी महायुद्ध की इच्छा पूर्ति के लिए बलराम के साथ शौनकपुर आ गए। नहीं बाणासुर, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, भगवान शिव शंकर के वचन को सत्य कर दिखाने आया हूँ। परंतु बाणासुर, तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हारी इच्छा पूर्ति जरूर होगी, हम तुमसे युद्ध जरूर करेंगे। अब शोणितपुर तो आ ही गए हो, परंतु उस राज्य से मेरी आज्ञा के बिना तुम द्वारिका नहीं लौट सकोगे। मैं तुम्हारी चिताओं को अग्नि दिखाऊंगा। ठहरो असुरराज, युद्ध से पहले मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूं, इसलिए कि मैं अब भी तुम्हें अपना संबंधी मानता हूं। क्या तुम मेरी पौत्र वधु उषा का विवाह करके हमारे हवाले करने को तैयार हो? कृष्ण! असुरराज, तुम्हारे हमारे परिवार अनिरुद्ध उषा के प्रेम के धागे से बंध गए हैं। नहीं गोले, धागों से बंधा कच्चा नाता हमें स्वीकार नहीं है। मैं तो तुम्हें लोहे की जंजीरों में बांधकर अटूट संबंध जोड़ना चाहता हूँ, शत्रुता का संबंध।
शंकर। और तुम्हारी तो केवल दो ही बाहें हैं, तुम क्या मुझसे युद्ध करोगे? शिर अस्त्र प्रकट कर रहा हूं, सावधान। वधु को मेरे हवाले करते हो या नहीं? नहीं। Thank you.
तोड़ रहे हैं। नारायण। दैत्यराज, युद्ध शुरू होने से पहले तुम्हारे पास जो हजार बाएं थी उन्हें मैंने तोड़ दिया है। अब तुम्हारे पास केवल दो बाहें शेष रह गई हैं। अब मैं भी द्विभुज हूं और तुम भी द्विभुज हो। मैं फिर तुमसे एक बार पूछ रहा हूं, क्या तुम मेरी पौत्र वधु उषा को मेरे हवाले कर रहे हो या नहीं? हे देवाधिदेव महादेव, बाणासुर की अब प्रभु के सुदर्शन से केवल आप ही रक्षा कर सकते हैं। मेरी रक्षा करें शिव शंकर। हे देवाधिदेव महादेव, बाणासुर की अब प्रभु के सुदर्शन से केवल आप ही रक्षा कर सकते हैं। मेरी रक्षा करें शिव शंकर। बाणासुर के अहंकार को तो नष्ट कर दिया, अब क्या उसका वध भी करना चाहते हैं आप? हे भोलेनाथ, मैं तो केवल एक पापी, अहंकारी और दुष्ट को नष्ट करना चाहता था। परंतु प्रभु, भगवान भोलेनाथ ने बाणासुर को अपना पुत्र माना है और भगवान भोलेनाथ का पुत्र एक कुकर्मी, अधर्मी और पापी की मृत्यु मरे, यह उचित नहीं है नारायण। हे देवर्षि, ये तो मैं भी जानता हूं कि बाणासुर भगवान शिव जी का पुत्र है और आज तक जितने भी अहंकारी पापी असुरों, अधर्मी पापी असुरों और अधर्मी शत्रुओं का मैंने वध किया है उनमें बाणासुर ही सबसे महान प्रतापी भी है और महापापी भी है। और मैं ये भी जानता हूं कि उसका वध करना बड़े से बड़े शक्तिमान के लिए असंभव है क्योंकि वो शिव शक्ति से संपन्न है। परंतु भगवान शिव भी ये कैसे सहन कर सकते हैं कि उनकी शक्ति का दुरुपयोग हो? बाणासुर ने अपनी असीम शक्ति का अनुचित लाभ उठाते हुए समस्त संसार में आतंक मचा दिया। भगवान शिव का पुत्र होते हुए अधर्म को अपनाया और अपनी शक्ति से सबको परास्त करके अधर्म का साम्राज्य स्थापित किया। ऐसे अधर्मी का वध तो सबसे पहले किया जाना था,
परंतु भगवान शिव की गरिमा का मान और ध्यान रखते हुए कि इसके वध से भोलेनाथ का अपमान होगा, मैं बाणासुर को छोड़ता आया और इसके अहंकार के विनाश के कार्य को अपने जीवन का प्रथम नहीं अंतिम उद्देश्य बनाया। सोचा था कि एक ना एक दिन इसकी आंखें खुलेंगी। प्रभु, बाणासुर को अहंकार के अंधकार में भला बुरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और जिन आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ा हो वो खुली भी हो तो कैसे देख सकती हैं प्रभु? भगवान, अब आपने इस अंधकार को दूर कर दिया है। आपके हाथों बाणासुर के अहंकार की हजार भुजाएं टूट जाने के बाद बाणासुर की आंखों से अहंकार का पर्दा हट गया है और उसके आगे ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। अब उसे ज्ञान प्रकाश में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूं प्रभु कि आपका पुत्र धर्म पथ पर लौट आए और अपने पापों का प्रायश्चित करे। परंतु मैं समझ रहा हूं प्रभु, पश्चाताप के बिना कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। बाणासुर को अधर्म से धर्म के मार्ग पर लौट आने के लिए स्वयं अपना परिवर्तन करने के लिए अपने पापों का प्रायश्चित करना और क्षमा मांगनी चाहिए। नारायण नारायण, असुराज बाणासुर, आप जिस शक्ति से संपन्न हैं, उसे शिव शक्ति के दो समान रूप हैं। भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ। हाँ पुत्र बाणासुर, हमें न कोई बड़ा है न कोई छोटा, इसलिए तुम मुझसे शक्ति का अंश प्राप्त करके समस्त संसार को तो परास्त कर सकते हो, परंतु भगवान श्री कृष्ण को नहीं। हे असुराज, भगवान श्री कृष्ण हरि हैं और महादेव शिव शंकर हर हैं, इसीलिए दोनों को हर हरि कहा जाता है। असुराज, आप वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से नहीं महादेव से ही युद्ध कर रहे थे। नारायण नारायण। कर दीजिए प्रभु, मुझे ज्ञानी को क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैंने अक्षम्य अपराध किए हैं, अपने प्रभु से ही युद्ध किया, उन पर वार किए, प्रहार किए। प्रभु अब मुझे जीवित नहीं रहना है। हे प्रभु, आप अपने सुदर्शन को आदेश दें कि वो मेरा जीवन समाप्त कर दे। प्रभु, यदि आपके चरणों में मेरी मृत्यु होगी तो मैं परम भाग्यशाली होऊंगा प्रभु। हे बाणासुर, मैं तुम्हारा वध करके भगवान शिव जी का अपमान नहीं कर सकता था, मैं तो केवल तुम्हारे अहंकार का नाश करने आया था। तुम्हारा वध करने नहीं, तुम शिवपुत्र होने के नाते मेरे लिए अवध्य हो। मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे साथ होगा। प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन का अंधेरा दूर हो गया। प्रभु प्रभु, मैं आपके पौत्र वधु और पौत्र को आपके सुपुर्द कर रहा हूं, उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए प्रभु।
समाप्त हुआ। नारायण नारायण। भगवान, आपके जन्म और कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। बाणासुर की इस कथा के साथ आपके अवतार की लीला मानो समाप्ति पर आ गई हो। हे पुरुषोत्तम, आपने नारायण साधु पुरुषों के कल्याण के लिए धर्म की स्थापना की, दुष्टों का विनाश किया, इसलिए हे वैकुंठनाथ, अब सभी देवी देवता आपको सदा के लिए आपके परम धाम में देखना चाहेंगे। हम सभी आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु। हे ब्रह्मदेव, हे महादेव, आपका कहना ठीक ही है। मेरा अवतार लेने का उद्देश्य अब पूरा हो चुका है, परंतु क्या प्रभु? मेरे कुछ निजी कार्य शेष रह गए हैं। मैंने किसी को अवतार समाप्ति से पहले मिलने का वचन दिया है, वो पूरा करना है। मुझे अपनी माता यशोदा के भी दर्शन करने हैं। गोकुल वासियों को दिया हुआ वचन भी मुझे निभाना है। हे भोलेनाथ, हे ब्रह्मदेव, आप तो जानते ही हैं, एक और महत्वपूर्ण काम शेष है। हे महादेव, हे ब्रह्मदेव, यादव बल विक्रम शूरवीरता और धन संपत्ति से उन्मत्त हो गए हैं और सारी पृथ्वी को ग्रस लेने पर तुले हुए हैं। यदि मैं उन्मत्त और घमंडी यादवों को नष्ट किए बिना ही परम धाम चला जाऊं तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए यादवों का अंत हो जाने पर मैं परम धाम पधारूंगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। परंतु प्रभु, आप हमारी एक इच्छा की पूर्ति अवश्य कीजिए। कहिए देव ऋषि। प्रभु, आपने अपने परम मित्र और भक्त अर्जुन को अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए थे। आज आपके इस महान कार्य की पूर्ति के अवसर पर हम आपके उस विराट स्वरूप के दर्शन फिर से करना चाहते हैं। क्या आप हमें अनुग्रहित नहीं करेंगे भगवान? हमें भी आपके विराट रूप के दर्शन करने हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आप हमें अनुग्रहित कीजिए। तथास्तु। जिसमें ब्रह्मांड विराट से
एक एक कर दुष्ट दुराचारी भीषण मुख मानी प्रवेश करे मुख में जलती वे ज्वालाए ईंधन सम उनको शेष करे गुरुजन परजन आत्मीय स्वजन सब प्राण गमाते दिखते हैं नगपति सबका रखते ध्यान तुम कर्मानुसार सुगति कुगति करते हो नाथ प्रदान तुम कल्याण का वरदान तुम निर्वाण तुम भगवान तुम लक्ष्मीकांतम नमो नमः नागर नमो नमः प्रेम के सागर नमो नमः दशावतारी नमो नमः यमोपमारी नमो नमः हे पुरुषोत्तम नमो नमः सच्चिदानंद नमो नमः कर्ता कर्म कर्म फलदाता सब समरथ संपूर्ण विधाता मैं सामर्थ्यवान नहीं ऐसा जो परणूं तुमको तुम जैसा अगम्य अपार सार के सार अगम्य अपार सार के सार आप ही जानो आप की माया निर्बल याचक और अज्ञानी अनुरागे श्री कृष्ण हरि अनंत हरि कथा अनंत
जैसे प्रभु अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी कथा अनंत है, अर्थात उस कथा का कहीं अंत नहीं है। इसलिए जिस कथा का कहीं अंत ही नहीं है तो कथावाचक उसका समापन कहाँ और कैसे करे? भगवान की कौन सी लीला अंतिम है, इस प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल है। हाँ, यह संभव है कि जैसे किसी अथाह सागर में चलता हुआ जहाज सागर के बीच किसी सुंदर द्वीप पर कुछ देर के लिए रुक जाता है, उसी प्रकार इस कहानी के किसी सुंदर मोड़ पर पहुंचकर विश्राम के लिए कथा वाचन कुछ काल के लिए स्थगित कर दिया जाए। आज हम वही करने जा रहे हैं। पिछले 7.5 वर्षों से निरंतर प्रति सप्ताह भगवान श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन करने के बाद आज हम कुछ काल के लिए इस कथा पर विराम चिन्ह लगा रहे हैं, क्योंकि ये कथा आज उस मुकाम पर कहानी के उस सुंदर मोड़ पर पहुंच गई है जहां श्री कृष्ण के अवतारी जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर और उनके अवतार लेने का एक मुख्य कारण सफलता के शिखर पर पहुंच गया है। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात अवतार का मुख्य उद्देश्य था धर्म संस्थापन। इसके लिए कर्म की जो योजना थी, प्लान ऑफ एक्शन था, वो दो भागों में बटा हुआ था। पहला भाग परित्राणाय साधु नाम, सो वो काम उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय दिलाकर पूरा कर दिया। दूसरा भाग था विनाशाय च दुष्कृताम, महाभारत के युद्ध तक ये कार्य आधा ही पूरा हुआ था। कंस, चानूर, शिशुपाल आदि दैत्यों के वध के बावजूद अभी वज्रनाभ और सहस्रबाहु बाणासुर जैसे दैत्यों का संहार अभी बाकी था। यह अधूरा काम भी सहस्रबाहु की पराजय के साथ पूरा हो गया। उन्होंने स्वयं भी कहा था कि मेरा ये आखिरी बड़ा काम है। परंतु ये भी सत्य है कि साधुओं का उद्धार और दुष्ट जनों का संहार, केवल इन्हीं दो बातों से तो श्री कृष्ण का जीवन चरित्र पूरा नहीं हो जाता। ये तो श्री कृष्ण अवतार के विहंगम चित्र के केवल दो कोने हैं। उनकी लीला तो बहुत विशाल, बहुरंगी और बहुमुखी लीला है, जिसे अंग्रेजी में मैनी स्प्लेंडर्ड लाइफ भी कह सकते हैं। इस परिस्थिति में ये कौन तय करेगा कि उनकी कौन सी लीला अंतिम थी, कहां पर उनकी कथा का समापन होता है? इसलिए हम अपने मन में इस भ्रम को नहीं पाल रहे कि कभी हम उनकी संपूर्ण कथा सुना सकेंगे। हाँ, यदि माता भगवती की इच्छा हुई हमसे और सेवा कराने की, तो उनकी प्रेरणा, इच्छा और शक्ति के द्वारा अवसर मिलने पर हम श्री कृष्ण लीला के और नए प्रसंग फिर आपकी सेवा में अवश्य प्रस्तुत करेंगे। अब हमें विदा दीजिए। इस विदाई के समय हम सब के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रदर्शन करना चाहते हैं, सर्वप्रथम अपने दर्शकों का, जिन्होंने इतने वर्षों श्री कृष्ण की कथा को बड़ी तल्लीनता से सुनते हुए हमारे उत्साह को निरंतर बढ़ाया। हम आभारी हैं अपने सहयोगियों के, हमारे यूनिट में काम करने वाले वर्करों के, जिनकी अथक मेहनत और प्यार भरे साथ के बिना इतना विराट कार्य करना संभव नहीं था। सबके नाम हम नहीं गिना सकते, क्योंकि लाइट मैन से लेकर डायरेक्टर तक सभी ने मिलकर प्रोडक्शन की इतनी बड़ी गाड़ी चलाने में हमारी मदद की। हम सब साथियों, अपने पुत्रों, पौत्रों और अपने समस्त वर्करों का अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं उन्हें। हम उनके बीवी बच्चों और उनके घर वालों को के भी आभारी हैं, क्योंकि ये सब लोग कितने वर्षों तक अपने घरों से दूर रहकर हमारे इस महान कार्य में हमारा साथ दे रहे हैं। दर्शकों के अपार स्नेह और इन्हीं साथियों की दिन रात की अथक मेहनत का नतीजा था कि श्री कृष्ण धारावाहिक 120 से अधिक हफ्तों में टीवी धारावाहिकों में नंबर 1 की श्रेणी पर आरूढ़ रहा। अंत में हम अपनी माता भगवती और समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में नतमस्तक होकर वंदना करते हैं, जिन्होंने अपने स्नेह और अपनी ममतावश
हम जैसे अज्ञानी अनपढ़ को श्री कृष्ण चरित्र की इस महान गाथा को सुनाने का माध्यम बनाया। मैया, हमें इस सेवा का अवसर उसी प्रकार देती रहना, ताकि हम कृष्ण कथा का बाकी भाग अपने दर्शकों को फिर कभी सुना सकें। अंत में परब्रह्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में हमारी ये एक ही विनती है कि हे त्रिलोकीनाथ, हे सर्व चराचर के स्वामी, हमारी इस धरती पर सदा सर्वदा सारी मानव जाति का कल्याण हो और हमारे इस पावन देश में सर्वदा निरंतर बहती रहे गीता की गंगा, कर्म की धारा, भक्ति की धारा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिन् दुख भाग् भवे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।